हेलो दोस्तों, निखिल रिव्यूज़ वॉचेस में आपका फिर से स्वागत है। एवरी ट्यूसडे मैं एक वॉच रिव्यू पोस्ट करता हूं और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कौन से अलग अलग किस्म के वॉचेस रहते हैं। दोस्तों, आपने मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वॉचेस के रिव्यूज़ पहले देखे होंगे, बट कहीं ना कहीं पर आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि यार, ये जो अलग अलग टाइप के वॉचेस आप बोलते हो, इसमें कितने कैटेगरीज़ है और सब कैटेगरीज़ है। तो आज हम ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ जस्ट बाय पॉइंटिंग आउट कि कौन सा वॉच किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है एक टैग हॉयर इंडी 500। ये एक क्वार्ट्ज बेस्ड वॉच है। यहाँ पे जी शॉक जो है, ये एक क्वार्ट्ज बेस्ड डिजिटल वॉच है। यहाँ पे एप्पल वॉच ऐसी है जो एक स्मार्ट वॉच है। फिर यहाँ पे ये सीको का स्पोर्ट्स 5 मॉडल है, सीको सीरीज 5। सो ये एक ऑटोमेटिक वॉच है, मैकेनिकल ऑटोमेटिक वॉच। और यहाँ पे है HMT शिव, जो एक मैकेनिकल वॉच है बट ये हैंड वाउंड है। अब जानते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। हर एक वॉच की जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये सबसे पहली घड़ी लेते हैं, ये टैग हॉयर इंडी 500। इसका बाय द वे मैंने एक प्रॉपर एक्सटेंडेड रिव्यू भी किया है मेरे चैनल के ऊपर, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, आपको वो मिल जाएगा कार्ड्स में या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। तो ये जो वॉच है, दिस इज़ ए क्वार्ट्ज बेस्ड वॉच। अब क्वार्ट्ज बेस्ड वॉच का मतलब ये होता है कि इसके अंदर, ये वॉच के अंदर, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इसके अंदर एक्चुअली एक चिप लगी रहती है। इस चिप के अंदर अब एक प्रॉपर एक छोटा सा सेल रहता है, जो राउंड वाला सेल आता है, और उस सेल से जो एनर्जी जनरेट होती है, उससे इस वॉच का पूरा मूवमेंट पावर किया जाता है। और अगर सेल की बैटरी ख़त्म हो गई तो ये वॉच बंद पड़ जाती है। बट जनरली अगर आप देखने जाओ तो सेल से जो पावर कंजम्पशन रहता है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता। दैट इज़ वाई क्वार्ट्ज बेस्ड वॉच जो है वो इन सारे वॉचेस में से सबसे ज़्यादा लास्ट करती है। अगर हम लोग लाइफ स्पैन देखने जाए तो क्वार्ट्ज बेस्ड वॉच की जो लाइफ स्पैन है, दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1 year to 5 years और इवन मोर देन दैट फॉर दैट मैटर। बस पंगा ये है कि इसके अगर अंदर का चिप डैमेज हो गया तो फिर आपको इसको जो सर्विसिंग है वो करानी पड़ती है। फिर जब एक एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के बाद जब इनके अंदर की जो सेल की पावर ख़त्म हो जाती है तो आपको इनके सेल चेंज करने पड़ते हैं। तो ये रहा बात क्वार्ट्ज बेस्ड वॉच का। अब इसी के कैटेगरी में एक दूसरा एक वॉच आता है, विच इज़ योर डिजिटल वॉच। अभी ये जो जी शॉक की घड़ी है, ये प्रॉपर डिजिटल वॉच नहीं है बिकॉज इसके अंदर एक एनालॉग फंक्शन भी है। बट जो प्रॉपर प्योर डिजिटल वॉचेस आते हैं, उनके अंदर कुछ इस तरह से LED की स्क्रीन्स होती है और वो LED स्क्रीन्स के अंदर टाइम डिस्प्ले किया जाता है। तो ये वाली वॉच में तो लाइट भी है। तो ये वाली जो वॉचेस है, दीज आर ऑल्सो बैटरी पावर्ड, मतलब ये भी क्वार्ट्ज बेस्ड वॉचेस ही है। सो मोर और लेस अगर फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखोगे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, तो ये वाली वॉच दैट इज़ डिजिटल और ये क्वार्ट्ज वॉच, इनके जो इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं मोर और लेस काफ़ी सिमिलर रहते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉच के ऊपर, जो ये वॉच है, ये है एप्पल की स्मार्ट वॉच। अब ऑब्वियसली ये जो स्मार्ट वॉच है, ये भी बैटरी पावर्ड है, बट ये जो वॉच है, दिस इज़ रिचार्जेबल, मतलब आप इस वॉच को रिचार्ज करके बार बार यूज़ कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ पावर रिजर्व, जो ये वॉच रहती है, एनीवेयर बिटवीन 24 to 48 hours की पावर रिजर्व रहती है ये वॉचेस में, दैट इज़ योर स्मार्ट वॉच। ये जो डिजिटल वॉच है और ये जो क्वार्ट्ज वॉच है, इनके अंदर के जो पावर रिजर्व रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, 1 साल से लेकर 5 साल या फिर इवन मोर देन दैट ये वॉचेस चलेंगे। जो स्मार्ट वॉच सेक्शन में जब आप एंटर करते हो तो उस टाइम पे ये वॉचेस की जो बैटरी रहती है, दैट लास्ट एनीवेयर बिटवीन 24 to 48 hours। नाउ जब आप इसके राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये वाली जो दोनों वॉच है, दीज फॉल अंडर द मैकेनिकल कैटेगरी, और दोनों के अंदर वापस पावर रिजर्व का मैटर किक इन हो जाता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दोनों जो वॉचेस हैं, इनके अंदर तो चिप्स लगी रहती है, चिप्स के अंदर एक बैटरी पावर्ड मूवमेंट रहता है। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं पे एक चिप लगी है और उसके हिसाब से पूरा जो मूवमेंट तो बोल नहीं सकते, बट इसके अंदर का जो पूरा डिस्प्ले है वो बैटरी पावर्ड रहता है, रिचार्जेबल बैटरी पावर्ड। अब आते हैं ये दोनों वॉचेस के ऊपर, जो मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग है, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ वॉच कलेक्टिंग अगर आप देखने जाओ तो
तो ऑटोमेटिक और हैंड वाउंड वॉचेस को ज़्यादा एंटीक नज़र से देखा जाता है, ज़्यादा कलेक्टेबल नज़रों से देखा जाता है। तो आते हैं अभी ऑटोमेटिक वॉचेस के ऊपर। ऑटोमेटिक वॉचेस और जो मैकेनिकल वॉचेस हैं, इन दोनों के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि ये जो दोनों वॉचेस है, ये जो वॉचेस है, इनके अंदर अलग मैकेनिज्म रहता है। अब ये वाला जो वॉच है, इसके अंदर है एक स्प्रिंग जो जिसके अंदर एक रोटर है, और वो रोटर की वजह से ये जो वॉच का मूवमेंट है वो पावर होता है। अब ये जो स्प्रिंग है, दोनों वॉचेस के अंदर स्प्रिंग है, एक्चुअली दोनों वॉचेस के अंदर स्प्रिंग है, बट इसके अंदर का जो स्प्रिंग है दैट इज़ रोटर पावर्ड। अब रोटर पावर्ड का मतलब ये है कि आप इस वॉच को जैसे ही झटका देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अभी इस वॉच को ऐसे झटका दे दिया, ओके, मैंने साइड में लेके इस वॉच को झटका दे दिया, तो ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर की वो एक्टिवेट होगी बिकॉज ऑफ द रोटर मूवमेंट, और तब जाके ये जो सेकेंड्स का काटा है और इसके अंदर के जो बाकी सारे मैकेनिज्म्स है वो चलने स्टार्ट हो गए। कंपेयर दैट विद अ मैकेनिकल हैंड वाउंड वॉच, अगर आप देखोगे तो हैंड वाउंड वॉच के अंदर कोई रोटर नहीं रहता, इस वॉच के अंदर कोई रोटर नहीं रहता, इस वॉच के अंदर सिंपल स्प्रिंग बेस्ड मूवमेंट है जो ट्रिगर होता है जब आप इस क्राउन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो वॉच है पूरा बंद पड़ा हुआ है बिकॉज इसकी जो स्प्रिंग है वो हम लोग ने वाइंड नहीं की है। इसको अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू रोटेट द क्राउन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो मेरे हाथ में खड़ी है HMT शिव वॉच है, तो इसको हम लोग को अराउंड 12 से 15 टाइम रोटेट करना है, और जैसे ही एक रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है तब आपको उसका रोटेशन जो है वो बंद कर देना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको रोटेट कर दिया ये घड़ी चलना शुरू हो गई। इसके अंदर सिंस कोई रोटर नहीं रहता, दैट इज़ वाई दिस इज़ द ओनली वे दैट यू कैन पावर इट, दैट इज़ बाय रोटेटिंग दिस ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये फंडामेंटल डिफरेंस होता है बिटवीन एन ऑटोमेटिक वॉच एंड हैंड वाउंड मैकेनिकल वॉच। एडिशनली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हैंड वाउंड वॉच जो है उसी की तरह आप ऑटोमेटिक वॉच को भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एन ऑटोमेटिक वॉच बाय सिंपली वाइंडिंग इन द क्राउन। इन टर्म्स ऑफ कलेक्टेबल, जैसे मैंने बोला द ऑटोमेटिक वॉचेस एंड हैंड वाउंड मैकेनिकल वॉचेस गेट प्रेफरेंस ओवर यू नो क्वार्ट्स बेस्ड वॉचेस। और अगर आप मूवमेंट भी देखोगे तो यार बहुत ही आपको स्मूथ मूवमेंट दिखेगी। आप इसका मूवमेंट देखो, आप इसका मूवमेंट देखो कितना स्मूथ है, और फिर आप देखो एक क्वार्ट्स बेस्ड वॉच का मूवमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका सेकेंड्स का जो मिनी डायल है वो यहाँ पे है, तो इसका जो मूवमेंट है दैट इज़ रियली लाइक टक 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 टक। बट ऑटोमेटिक वॉचेस और हैंड वाउंड मैकेनिकल वॉचेस का मूवमेंट जो है वो आपको कुछ इस तरह से एकदम स्मूथ मूवमेंट मिलेगा, एंड दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज इसके अंदर के जो मूवमेंट्स रहते हैं, इसके अंदर के जो पुर्जे रहते हैं वो प्रॉपर असेंबल्ड है बेस्ड ऑन योर स्प्रिंग के मूवमेंट्स। इसके अंदर एक्चुअल में एक स्प्रिंग वाउंड मूवमेंट है, तो उस वजह से ये प्रॉपर मैकेनिकल वॉच है, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दीज वॉचेस आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वॉचेस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं वॉचेस रिलेटेड एवरी ट्यूसडे एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।